दस बख्तावर नाम मेरा। कितने अरसे तू लगे इथे? कितने 20 साल होता था। 20 साल होई गए तू ही जणया। सही है भाई, 20 साल ना लगे तू, बड़ी गल है। ते के पोजीशन मरगी? शुक्र अल्लाह गुजारे हो रहे साहब। और या काम चलना पे गुजारा शर होई जलना। ते दिहाड़ी छड़ी को फर्क पिया कोई नहीं? सब तो इमरान दी हुकूमत। मैं सारे पूछना इमरान दी हुकूमत कैसी लगी? बस अल्लाह माफ करे, अल्लाह तबार मी ना लगे नु आवे फिर ना ले गया बाता, बाता, बाता। क्यों भाई सारे इमरान को तंग पे परेशान है? क्यों भी के वजह के महंगाई पड़ गई? चलो तो पहले महंगाई नहीं सी ना, पहले महंगाई आया सी। कोई नहीं, नवाज शरीफ की हुकूमत ने गद्दारी कोई घूमता नहीं, कोई महंगाई नहीं जड़ी। इसनी बारी ज्यादा हो गया काम। अच्छा अच्छा चलो जरा तुसा इमरान की पसंद ही नहीं कर रहे। मैं जिस को पूछना है इमरान ने खिलाफ आज सब ये खिलाफ ही कर दे ना पूरे पाकिस्तान के चले जा। गरीब तो गरीब भी कहेगा ये बंदा नहीं सही, ये अमीर भी कहेगा नहीं सही फिर। अच्छा इसका मतलब है दोबारा नहीं ले आने इसके? हां पता पता दोबारा अगर जितना सिर से लग मारे दोबारा नहीं बोलता। अच्छा बाकी सोच क्या सारे गरीब बाकी सोचते हैं महंगाई तोड़ी ने केड़े बच्चे का क्या काम नहीं जा रहा। कम बदी जा रहा है बिल्कुल। ये रोज ने रोज रोज महंगाई भी हो रहा है। आप जिस जान करिए दुनिया माल थे राजा साहब की बनना के नाल ही जाना थोड़ा जा पिता दो चार पीस कट छोड़ो हले तो बाकी नाल चाहिए। कमरान मार्केट सदर जामा इस्लामिया याद हो सी तुसा की नाल सिबी कॉलेज अपने ग्राउ क्यों आटने उदास हो के मुड़ी आयो? कैसा काम काज ठीक है? दिहाड़ छड़ लगनी अच्छा बेकार हुकूमत कोई खास कोई नी मजा नहीं आया? पिछली ठीक सी निजामे जिंदगी रोकिया है चलो जी अल्लाह ताला खैर रखे पाकिस्तान नहीं तो आप आम बंदे नहीं जिंदगी आसान हो बस असा तो यही आने दुआ करने हैं। ठीक है लगे रहो अपना जो रोजी अल्लाह लिखी वो लफ सी ना उतना तो लफ सी बस उस वक्ल पर चलना है पाकिस्तान मेहरबानी जी। ना क्या तुसा ना सरदार जवेद सरदार जी तुसा के काम पकड़िया है? चलो ठीक है मजदूरी विच कोई मेहनत कोई नहीं ना मेहनत कोई नहीं किसी ना लाल नहीं रोजी कमाना ये बड़ी वड्डी इबादत है बड़ी इबादत है। बंदा अपना अपने बास दा आप होना जिसने बंद किया टूरी पे कम है बिल्कुल किसी ने जॉब नौकरी तो नहीं ना हाँ ना नहीं ये सरदारा नहीं यही तो निशानी है समझे हो। ठीक है अल्लाह खुश रखे। पठान भाई हैं सर आप अपना तारुफ कराएं ना। मेरा नाम इनायतुल्लाह है, मैं गिलगित से ताल्लुक रखता हूँ। गिलगित से माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि ये 3 साल हो गया अब इमरान खान का ना हुकूमत का, आप इसमें कोई तब्दीली देखते हो पाकिस्तान के हालात बदले? तो बहुत सारी तब्दीलियाँ हमने देख लिया है। जो महंगाई था कि सर ज़मीन से आसमान तक पहुँचा दिया है, पहली तब्दीली तो यहीं आ गई है। ठीक
दूसरी तब्दीली हमारे यहाँ यही आ गई कि उसने मदीना के नाम से रियासत मदीना के नाम से इक्तदार में आया था जी बिल्कुल, लेकिन इस मदीना के रियासत मदीना के अंदर इनके अपने बंदे ने जो शराब पर पाबंदी लगाने के लिए बिल लाया था असम्बली के अंदर रमेश कुमार साहिब ने, उन्होंने इसने खुद वीटू कर दिया है रियासत मदीना के अंदर। दूसरी तब्दीली ये है। तीसरी तब्दीली ये जो अपने दौर में आया हुआ था इस धरने देकर फैजाबाद में, उन बंदूकों को जो बंदे अभी आए थे उन बंदूकों ने उसे खुद लेकर आया था, इसमें खुद ही शामिल हुआ था। उसी वक्त तो धरने हलाल थे, अब हराम हो गए, यही तब्दीली आई है। ये तीन तब्दीलियां तो आप भी देख रहे हैं, मैं भी। तब्दीली का नाम तब्दीली सरकार ने खुद कहा था, जब मुल्क का अंदर करप्शन बढ़ जाती है तो ये समझ लो आपका वज़ीर आज़म चोर। तब्दीली कुछ भी नहीं है, बस यही तब्दीली आई, महंगाई वाली तब्दीली आई है। तब्दीली सरकार ने इंसान को और पाकिस्तान वालों को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। कोई उम्मीद नजर आती है कि पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे या कैसे होंगे? मैं तो सोचता हूँ महंगाई जो कम तो नहीं होगी, अगर जो भी हुकूमत आ जाए, कोई और हुकूमत आ जाए, इसको कंट्रोल कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है। ऊपर मजीद बढ़ाना नहीं देगी, कंट्रोल तो कर सकती है लेकिन कम नहीं कर सकती कोई भी हुकूमत आइंदा। आम बंदा पिस रहा है, उनको क्या पता है खरीदार कौन होते हैं, ये तो अपने मुलाजमों से खरीदारी करा देते हैं और उनको पता है इन्हें मार्केट के कहां तक पहुंच गई है, उनको कोई पता नहीं है। ये तो अपने मुलाजिम बेच देते हैं, वो खरीदारी करके ले आते, वो खाते पीते बैठते हैं शराबों में मस्त हुए होते हैं, लेकिन आम बंदों के हालात कैसे उनको क्या पता होगा। दो तीन चार दिन पहले मौलाना फजल रहमान साहब की बयान लग चुकी थी कि पहले दौर हुकूमत में धरने हलाल था, अब हराम कैसे हो गए, अब हराम कैसे हो गए, जब पिछले दौर हुकूमत थी तो इन लोगों ने खुद इनको वड़गला कर वहाँ पहुँचा दिया था, अब ये आ गया तो खुद रोक रहे हैं। अजान का टाइम है जी, अजान हो रही है माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत अजान है। ये हम इधर आए हैं सदर वाली जामिया इस्लामिया पे, तो बड़ी पुरानी मस्जिद है और मदरसा भी है ना अंदर, इसके मदरसा भी है। 800 तालिबे इल्म पढ़ते हैं यहाँ, 800 तालिबे इल्म पढ़ते हैं, उनके खाना पीना उठना बैठना रियायत सब कुछ मदरसे का खिलाड़ी है। क्या इमरान खान के तोशे खाने ऐसे कोई बड़े प्रोग्राम बनाकर दे सकते हैं हमें? नहीं, ये सिस्टम तो पुराना है और हमारा अपना रवायती सिस्टम है। ये क्या वज़ीर आज़म को कोई तोशे खाना कोई लंगर खाना ऐसे सिस्टम दे सकता है? सिर्फ 3 सालों में इसने क्या कर दिया हमें बता दें, हम तो ये पुराना सिस्टम चला रहे हैं अभी तक। मेहरबानी, जजाक अल्लाह। बस स्वीट्स और जमीन स्वीट खाओ। चाट खान लगे जिंदगी रेत फिर के दिया, चेक करो इन्होंने खासकर जो सफाई बहुत अच्छी है, नीट एंड क्लीन एवरीथिंग।